गर्मी की ऋतु आने पर एक मीठी सी कूक सुनी होगी, मन में बैठ जाती कोयल की कूक, बड़ी मीठी बड़ी प्यार। वैसे एक और पक्षी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है, हमारे घर के आसपास ही होता है, हरियाला रंग लाल चोंच, ठीक पहचाना आप तोता। ये दोनों ही पक्षी हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मन को शांति देते हैं, किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर। कोयल वन उपवनों में स्वतंत्र रहती है, तोता कई बार हमारे घर के पिंजरे में बंधा हुआ पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है आप? क्योंकि कोयल अपनी बोली बोलती है, तोता किसी और की बोली की नकल करता। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं, वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। जो किसी और का कहा करते हैं बिना आत्ममंथन के, वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। तो क्या बनना चाहेंगे आप, कोयल या तोता? निर्णय आपका है। राधे राधे।